हैदराबाद दुष्कर्म मामले में चार आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया गया और जिसके बाद सोशल मीडिया पर और देश में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि एनकाउंटर सही था और कोई इस एनकाउंटर को पुलिस की गलत कार्रवाई बता रहा है। इससे पहले भी जितने एनकाउंटर के मामले हुए हैं उस पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया ही आती है, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश के टॉप 10 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बारे में। और इनमें से एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसे हैं जिनके नाम पर 104 एनकाउंटर करने का रिकॉर्ड दर्ज है। शुरुआत करते हैं आईपीएस अमिताभ यश का, जो यूपीएसटीएफ में पुलिस महानिरीक्षक है और उनके नाम 36 एनकाउंटर दर्ज किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जिस भी जिले में जाते हैं या तो वहाँ से अपराधी जेल में वापस चले जाते हैं या फिर ज़िला ही छोड़ देते हैं। दिल्ली पुलिस के आईपीएस अधिकारी राजबीर सिंह की बात करें, जिन्हें पुलिस सेवा के 13 सालों के अंदर ही एसीपी रैंक तक पदोन्नति मिल गई थी, उनके नाम 50 एनकाउंटर दर्ज हैं और 2008 में गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और अब इनके बेटे रोहित यादव भी आईपीएस अधिकारी ही हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली रेंज के डीआईजी आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार पांडे की बात की जाए तो इनके नाम अब तक 50 एनकाउंटर दर्ज हैं। वो अलीगढ़ के एसएसपी भी रह चुके हैं। गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर टीम के खास किरदार रहे। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के रहने वाले राजेश कुमार पांडे को अब तक 4 बार वीरता पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। वहीं कानपुर के एसएसपी अनंत देव 2006 में आईपीएस अधिकारी बने और ये फैजाबाद के एसएसपी भी रह चुके हैं और इनके नाम पर 60 एनकाउंटर दर्ज हैं और ये सारे एनकाउंटर इन्होंने चंबल क्षेत्र में किए हैं। और चंबल के खुखार अपराधी ददुआ का एनकाउंटर भी इनके एनकाउंटर की लिस्ट में शामिल है। आईपीएस दीपक कुमार जो कि चित्रकूट रेंज के डीआईजी हैं, वो बिहार के बेगूसराय ज़िले के रहने वाले हैं और उनके नाम पर 56 एनकाउंटर्स दर्ज हैं जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहते हुए किए हैं। बात की जाए महाराष्ट्र पुलिस में सेवा देते हुए सचिन हिंदूराव वाजे की तो उन्होंने 63 अपराधियों को एनकाउंटर में ख़त्म किया है और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा इनके मेंटोर रह चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र पुलिस के विजय सालस्कर 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे, लेकिन अपने सेवाकाल में रहते हुए उन्होंने 83 एनकाउंटर्स किए और कई अपराधियों का खात्मा किया। बात की जाए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रफुल्ल भोसले की तो छोटा शकील के साथ एनकाउंटर को लेकर इनका नाम हुआ था और मुंबई के अपराधियों में इनके नाम का खौफ है और इनके नाम अब तक 84 एनकाउंटर दर्ज हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब भी एनकाउंटर का नाम आता है तो दया नायक को ज़रूर याद किया जाता है। मुंबई पुलिस के सबसे प्रसिद्ध और जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, इनका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाना पाटेकर की एक मूवी अब तक 56 इन्हीं के ऊपर बनी हुई है। और इनका तबादला महाराष्ट्र एसटीएस में किया गया और 1995 में मुंबई पुलिस ज्वाइन करके 3-4 सालों के अंदर ही दया नायक को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम मिल गया था और अब तक ये 80 गैंगस्टर अपराधियों का एनकाउंटर कर चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस के प्रदीप शर्मा को मुंबई में अपराधी मौत का दूसरा नाम मानते हैं। 1990 के दशक और सन 2000 की शुरुआत में जब मुंबई में गैंग वॉर अपनी चरम पर था तब आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदीप शर्मा ने 104 एनकाउंटर किए थे और 2010 में उन्हें निलंबित कर दिया गया था। दोबारा पुलिस सेवा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाया और थोड़े टाइम पहले उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर शिवसेना ज्वाइन कर लिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।